YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और फिटफाट होंगे। मैं हूं डॉक्टर कंजा, हमेशा की तरह आप लोगों के साथ। और अभी सीन ये है कि आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूं और मुझे दो तीन काम है बहुत इंपॉर्टेंट, चैनल की मोनेटाइजेशन से भी रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा आपको पता है YouTube जब तक आपको टफ टाइम ना दे तो आपका कहां वो खुश नहीं हो सकते। तो एक दो वो काम है इम्पोर्टेंट, वो करने हैं। एंड अभी मेरा ये सीन था कि दैट टू गेट अ मसाज, क्योंकि जोड़ा माशाल्लाह से इतना भारी था, खूबसूरत भी बहुत था, भारी भी बहुत था कि मेरे कंधों में इतनी दर्द शदीद रही है कि मैंने पैनाडोल खाई है, सिनफ्लेक्स खाई है, मगर जो है ना उसके बाद जाके मैं सोई। बाकी जो है आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है, कमेंट्स में पढ़ रही हूँ सबके, अल्हम्दुलिल्लाह, रजब को, हैदर को, और मतलब जो हमारा शूट हुआ है वो भी बहुत सब लोगों को अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। जब शूट निकल के आएगा उसकी पिक्चर्स लगेंगी वो भी बहुत फिट होंगी। बाकी जो थोड़े से लोग जो कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव आप लिख रहे हो या बोल रहे हो, तो वो उसमें बस मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि क्या ही हो जाएगा कि अगर हम अपने इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ प्यार और हम्बलनेस और ये चीज़ सिर्फ फैलाएं तो वो अच्छा नहीं हो जाएगा ज़्यादा। तो बाकी जो है आप ऐसा करें कि अब जो है मैं निकल गई हूँ अपने कामों के लिए, और ऑब्वियसली मैंने नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता भी करेंगे और दिखाएंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरा तो दिल कर रहा था क्योंकि कुछ इंग्लिश टाइप हो, लेकिन पैनकेक्स मैंने उस दिन खाया तो होप सो अभी मैं थोड़ा डिफरेंट करूँगी। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल की गाड़ी को क्या हो रहा है तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम डॉक्टर कंजा असगर के नेम से ही है, आपको इजीली मिल जाएगा। तो अब जो है मैं आ गई हूँ ग्लोरिया। पहले मैं सोच रही थी कुछ देसी टाइप कुछ करूँगी, बट नहीं यार, आई वॉन्ट टू हैव समथिंग लाइट। और अभी ये है लेक सिटी वाले मैं ग्लोरिया में आई हूँ। अच्छी वाइब लग रही है आज, थोड़ा 1 बजे का टाइम होने वाला ऑलमोस्ट, तो थोड़ी अच्छी वाइब है। आई एम लाइकिंग इट। अब देखिए मैं क्या ऑर्डर करा रही हूँ, क्या ऑर्डर करा रहे हो? मैं देखती हूँ मैं क्या ऑर्डर करा रही हूँ। पैनकेक्स तो नहीं होंगे शायद, वो उनका ब्रेकफास्ट ओपन है, ब्रेकफास्ट ओपन है उनका ना। तो ये चीज़ है इनकी, हम आई गेस आई विल हैव ऑमलेट और साथ में टोस्ट करा लेते हैं, और चाय मुझे इनकी नहीं पसंद। अब उसको कुछ करते हैं, मैं शायद शायद जेट कैफे से हम ऑर्डर करा सकते हैं, चाय नहीं करा सकते, चलें वो देखते हैं। और आई विल हैव मज़े का एग एंड टोस्ट एंड चाय, ठीक है? तो जी हमारा नाश्ता आ गया, ये मैंने चीज़ ऑमलेट मंगवाया था एंड ये स्क्रैम्बल्ड एग्स हैं। अभी जो है मैंने अपनी ब्लैक पेपर मंगवाई है, क्योंकि मैं थोड़ा मसाला थोड़ा हल्का फुल्का, लेकिन बहुत अच्छा डिसेंट लग रहा है, नाइस लग रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन आप लोगों के लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करना है मुझे। हेयर वी गो, अभी थोड़ा काली मिर्च वगैरह आती है तो वो उसके ऊपर डालते हैं। ये शायद हैश ब्राउन है, क्या है इसको क्या बोलते हैं, पता नहीं, पोटैटो बोलते हैं ये। फुल उन्होंने प्योर काली मिर्च ला कर दी है और हमने, ये तो बहुत ही वो वाली है। ये मैंने एक फ्रेंड देखा था, अब इसमें बटर कि आपने इस तरह से जो है ना इसके अंदर कर लिया मैंने, और अब इसको हम ऐसे जी। तो खाना खा के हो गए हैं फ्री, और जो है नमाज शमाज भी पढ़ ली है। और अभी सीन ये है कि मैं कमेंट्स देख रही थी तो बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि दैट कंजा आपकी फैमिली किधर है, आपकी फैमिली किधर है। तो आप लोग कहते तो फैमिली को बुला लेते हैं लाहौर। बेसिकली फैमिली जो है मेरी वो भावलपुर में है। तो अभी मेरा सोच रही हूँ मैं चक्कर लगा लूँ भावलपुर, अभी मैं कुछ दिनों पहले ही होके आई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि भावलपुर चक्कर लगा लूँ तो फैमिली से भी मुलाकात हो जाएगी, और मेरे छोटे छोटे जो भांजे हैं 1, 2, 3 छोटे छोटे उनसे बच्चा पार्टी से भी मुलाकात हो जाएगी। और इंशाल्लाह 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 फ्यूचर में मैंने सोचा हुआ कि दैट वो सब जो है वो लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। और आप लोगों का प्यार अगर इतना होगा कि आप लोग सच में चाहेंगे तो मैं उन सबको लाहौर ले आऊँगी, वरना मेरी जो मम्मा हैं वो घर से भी नहीं बाहर निकलती। लाइक शी इज़ सो सिंपल, बहुत मुश्किल से कह के उनको घर से कहीं बाहर लेकर जाना पड़ता है, वरना मम्मा जो है वो घर से बाहर भी नहीं निकलती। तो ये सीन है, एंड शी इज़ ऑल्सो कैमरा शाय। तो लेकिन इंशाल्लाह उनको लेके आएंगे और आप सबसे मिलवाएंगे इंशाल्लाह, तो वो दिन भी। आप लोगों ने ना बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि फैमिली किधर है, फैमिली इधर ही है। रात ही बल्कि मैं किरण को कह रही थी, मेरी बहन है मुझसे छोटी, तो मैंने कहा यार किरण हमारा जो हमारी जो फैमिली है, हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो मेरी फैमिली का पूछ रही है कि आप अपनी फैमिली को लेकर आए, तो क्या आप उधार पे लेनी है तो वो कहती नहीं, उनको कहो कि तुम्हारी फैमिली चांद पे रहती है
अमेरिका एक लगाऊंगी मैं तुम्हें ना, तो इंशाल्लाह यार फैमिली जरूर आएगी, बल्कि वो कुछ दिनों में आने वाली, उसके अभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो जैसे फ्री होगी तो वो भी आएगी, शुगर मिला उसके साथ भी लगाएंगे फुल टाइम, तो टेंशन ही लेनी, स्टे ट्यून्ड। माशाल्लाह जी कितनी माशाल्लाह बहुत प्यारी और बड़ी मस्जिद है, और आप लोगों को देखें कि जो है आज जुम्मे का दिन है, माशाल्लाह से सब नमाज वमाज पढ़ने आए हुए हैं। वेरी नाइस यार, नमाज कभी नहीं छोड़नी, कहते हैं ना नमाज इज द कुंजी टू सक्सेस, तो कंसिस्टेंसी हर चीज में, आप बिजनेस कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपके एग्जाम है, कुछ भी है लाइफ में, नमाज नहीं छोड़नी, ठीक है। और जवानी की नमाज तो अल्लाह ताला को वैसे ही बहुत प्यारी है, तो नमाज नहीं छोड़नी अगर आप कामयाब होना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो आपकी गाड़ी का बहुत ज्यादा मसला आ रहा है, बहुत ज्यादा झटके मार क्या मसला आ रहा है ये, मेरी आवाज, मेरी जो फ्लो होता है वो खराब हो गया, तोड़ दिया आपने। हम किस गली जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं, या तुम मत रहो मैं तो चलो रो रही हूँ, तुम एक मत रहो प्लीज मैं तो चलो रो ही रही थी, मगर ये एक्स्ट्रा रो रहा भाई, हमारा पेट्रोल होने वाला खत्म और हमने डाल दिया रिंग रोड पे गाड़ी, और ये मतलब किसी टाइम पे जो है ना रुक सकती है, और यार इजी चलाओ आराम से, 120 पे हमारी गाड़ी जा रही है, किसी टाइम पे रुक जाएगी, लेकिन ऊपर का नहीं होता पेट्रोल होता है, ये देखे जी बिल्कुल खत्म होने वाला है ये पेट्रोल, और हमारी आप हिट जाएंगे कुछ, उसके बाद मैं बैठूंगी और तुम धक्का लगाना जगह आपसे 45 मिनट्स दूर है, तो आपने कम से कम 25 से 30 मिनट का मार्जिन रख के जाना है, क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी होने वाली है, दिन के टाइम तो बहुत ट्रैफिक होती है, और पता नहीं अभी सब कुछ यहाँ सिस्टम वगैरह बन रहा है डीएचए साइड पे, जिसकी वजह से बहुत ऑफ सीजन हुआ है, जस्ट चेक दिस आउट, और स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। अब मैं सोच रही थी कि मैं अपना फेशियल करवा लेती हूँ, अगर मैं डीएचए साइड पे आई हुई हूँ, इतनी दूर से अगर मैं आई हूँ तो यार वाई नॉट टू गेट अ फेशियल, तो अब मैं जा रही हूँ कॉस्मेटिक, मैं हमेशा अपना फेशियल वहीं से करवाती हूँ, तो इट्स बीन लाइक मंथ्स मैंने नहीं करवाया कुछ भी फेस के ऊपर, आई नेवर गो फॉर स्किन पॉलिश, क्योंकि मोस्टली लोग मुझसे पूछ भी रहे होते हैं कि दैट आप डॉक्टर हो तो कुछ मेडिकल एडवाइस भी दे दो, तो उसमें ये सीन है कि आप अपने फेस के ऊपर कोई भी हार्श केमिकल्स ना यूज़ किया करें प्लीज, स्किन एक्सफोलिएशन करनी है तो फिजिकल एक्सफोलिएशन करवा लें, उसमें आप सिंपल अपना फेशियल क्लेंजिंग करवाएं, स्क्रबिंग करवाएं, सो गुड फॉर योर स्किन, नेवर गो फॉर एनी काइंड ऑफ स्किन पॉलिश ऑन योर फेस, आई पर्सनली नेवर डू एनी काइंड ऑफ स्किन पॉलिश ऑन माय फेस, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन को डैमेज करती है, एक स्टूपिड से लेमैन बंदे को पता होगा अगर आप स्किन के ऊपर एसिड लगाओगे तो वहाँ से आपका पिगमेंट उतर जाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी, तो नेवर गो फॉर सच काइंड ऑफ हार्श थिंग्स जो आपकी स्किन को डैमेज करें।
एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई गाउन एंड आई विल गेट फेशियल. इनका अच्छा है गीनी का, गीनी होता है, ग्यूनो होता है, पता नहीं, ग्यूनो ग्यूनो फेशियल होता है बेसिकली, तो वो मैं करवाऊंगी. इट्स वेरी नाइस फॉर द स्किन, मतलब आपकी क्लिनजिंग भी हो जाती है, पोर्स भी क्लीन हो जाते हैं ओवरऑल. तो मैं हमेशा यहीं से कराती हूँ. इट्स अ बेसिकली एस्थेटिकल सेंटर बट दे हैव ऑल्सो एसोसिएटेड अ सैलून विद इट. तो अब हम जो है वो कराएंगे इनके साथ. ठीक हो गया, डन है, अभी मैं चेंज करूंगी अपना. तो अच्छा जी, अब मैं आ गई हूँ घर और मैंने अपना फेशियल भी करवा लिया था. मैंने कहा मैं उस साइड पे गई ही हूँ DHA वाली साइड पे, तो वाई नॉट टू गेट अ फेशियल डन, क्योंकि फिर वो मेकअप वगैरह भी बहुत एक्स्ट्रा हुआ था उस दिन शूट के ऊपर. और मैं आई एम नॉट एट ऑल अ मेकअप पर्सन, मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ खुद से भी ना. तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से मुँह के ऊपर जो था वो हो गया था मेकअप. तो फिर मुझे था कि दैट आई नीड टू हैव अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्सफोलिएशन. फिजिकल एक्सफोलिएशन वो होती है जो आप हाथों से करते हो. अब आप घर में कोई भी स्क्रब सा भी बना के ना, जो है ना, बेसन का, उसके अंदर हल्दी डाल लो और हनी डाल लो और वो भी पैक अगर आप फेस के ऊपर लगाओगे और खुश्क होने के बाद उसको ऐसे ऐसे स्क्रब करोगे तो वो आपकी स्किन फिजिकली एक्सफोलिएट हो जाएगी, आपके पोर्स क्लीन हो जाएंगे, ठीक है, और आपके जो ज्यादा सीबम प्रोडक्शन है दैट विल बी लेस, डेड स्किन आपकी फेस की रिमूव हो जाएगी. तो ये आप घर में भी इजिली कर सकते हो. तो वो भी करा लिया था और थोड़ा मसाज वगैरह भी हो गया. कंधों में बहुत ज्यादा दर्द थी टू दैट हैवी ड्रेस, तो वो भी अब बहुत ईज हो गया. बाकी आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है. बहुत से जो हैं कुछ बहुतों में से जो कुछ कमेंट्स थे वो ये थे कि दैट थोड़ा ओवर है, थोड़ा शोखी है एंड ऑल दैट, मतलब मुझे रिजेंबलेंस दी जा रही है बहुत लोगों से. तो बस इतना कहूंगी कि दिस इज द वे आई एम. कोई भी चीज़ अगर आप टेम्परेरी टाइम के लिए करते हो ना, अपनाते हो या अपने आप को वैसा शो करते हो, तो आप उसको लॉन्ग टर्म में नहीं लेकर चल सकते. तो अगर आप मेरे पहले भी व्लॉग्स देखें रजब से मिलने से पहले भी, तो आई एम लाइक दिस. आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए. इवन एज अ डॉक्टर भी आपकी पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए. अगर आपकी पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, हाउ यू विल बी एबल टू हैव दैट बॉन्ड. अब अगर मैं कैमरा उठा के खामोशी से चुप कर जाऊं तो आप लोग मुझे देखोगे या सुनोगे? नहीं सुनोगे. तो कैमरा उठाने का मकसद है आप लोगों से कम्युनिकेट करना, आप लोगों से बॉन्डिंग करना. आप लोगों से बॉन्डिंग करूंगी, आप लोगों को उससे कम्युनिकेशन मेरी स्ट्रांग होगी, तभी तो आप लोग मुझे प्यार दोगे, ठीक है, तभी तो एक दूसरे की समझ आएगी एंड ओवरऑल ऑल दैट होगा और हमारी जो है ये बॉन्डिंग आगे चलेगी. तो उन कमेंट्स को अब मैं क्या ही कहूँ, ठीक है. दिस इज द वे आई एम एन इंटरैक्टिव पर्सन, आई कैन नॉट बी साइलेंट. मैं चुप करके अगर गैदरिंग में सारे लोग खामोशी से बैठे हैं तो मैं वो इंसान होंगी जो उठकर सबसे पहले सलाम करेगा, और उसमें मुझे किसी चीज़ की शर्म नहीं है. चाहे मुझे 3 दफ़ा भी सलाम करना पड़े, मैं बात को इनिशिएट करती हूँ किसी भी ऐसी महफिल में जहाँ पर बहुत खामोशी हो. तो मुझे लगता है कि इंटरेक्शन इज वेरी गुड, कम्युनिकेशन नीड्स टू बी वेरी गुड, ठीक है. कम्युनिकेशन अच्छी होगी, इवन अगर हस्बैंड वाइफ की मैं एग्जांपल यहां ज्यादा ही देने लग जाए, हस्बैंड वाइफ भी अगर दोनों से एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो रिश्ता कितने देर ही चल जाएगा. तो कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ मैं अपनी स्ट्रांग करती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ, हंसती हूँ आप लोगों के साथ. तो उस चीज़ को पॉजिटिव लिया करें, अप्रिशिएट किया करें. बाकी होप सो आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरा जब भी न्यू ब्लॉग आए तो आपको ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाए. और मुझे और मेरी फैमिली और मेरे रजब फैमिली को दुआओं में याद रखें. मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करें. तब तक के लिए अल्लाह.